इंडियन कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें। अजीब लड़का। हे भोलेनाथ, मैं हर सोमवार को तेरे मंदिर की सीढ़ियां घुटनों के बल चढ़कर आता हूं, वो भी अपने लिए नहीं, दूसरों की फरियाद लेकर आता हूं प्रभु। ए, ये तो वही है जिसने एक्सीडेंट वाले दिन हमें बचाया था। हे भगवान, मेरे घर से 10वें घर में शांति चाची रहती है। उसके घर में चूल्हा तो सिर्फ दिल जलाने के लिए रखा हुआ है। भगवान, मुझे भले 10 दिन के लिए भूखा रख, लेकिन शांति चाची और उसके सारे परिवार का पेट भर दे। भगवान, सारे परिवार का पेट भर दे। ये तो कुछ भी नहीं है प्रभु, मेरी पिछली गली में रहने वाले नारायण चाचा का दुख सुनोगे ना तो तुम्हारा कलेजा दुख से छलनी हो जाएगा। मालूम है, उनके सारे शरीर में खुजली फैल गई। मैं तो कहता हूं प्रभु, उनकी सारी खुजली मुझे दे दे। आप भी सोचते होंगे कि मैं क्या हर रोज आपको तंग करने चला आता हूं, मगर क्या करूं, मजबूर हूं, भोले का वक्त हो ना, इसीलिए भोला हूं। अच्छा प्रभु, मैं चलता हूं, लेकिन कल फिर आऊंगा किसी और का दुख दर्द लेकर। महादेव, हर हर महादेव, हर हर। अरे आप? एक बात पूछूं? हाँ हाँ। आपने उनके लिए मांगा जिनके साथ आपका कोई संबंध नहीं है, आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा? अब अपने लिए मांगने की मेरी जुबान में शक्ति ही नहीं रही। आप जब अपने लिए मांगेंगी ना तो अपनी मांग में मेरी मांग शामिल कर दीजिएगा, मेरी अर्ज भी पूरी हो जाएगी और आपकी मांग भी सवर जाएगी। जी? मेरा मतलब है कि दोनों का भला हो जाएगा। अच्छा चलता हूं। नमस्ते। ये ना मेरा भांजा है, नाम राजा है इसका। ये नाम से ही राजा नहीं, दिल का भी राजा है। इससे ना लोगों की तकलीफें देखी नहीं जाती, और इंसान तो इंसान, ये तो जानवरों की तकलीफ भी नहीं दे सकता। जानवरों की तकलीफें? हाँ, फॉर एग्जाम्पल, एक बार हमारे गांव में है ना एक बैल का एक्सीडेंट हो गया था, तो ना बाल्टियां भर के खून बह गया। डॉक्टर ने कहा कि इसकी जान बचाने के लिए इसको बहुत खून चढ़ाना होगा। तो आपको पता है, मेरे भाणजे राजा जी ने ना अपना खून उस बैल को दे के उसकी जान बचा ली। बैल को? हाँ, दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे ना, ब्लड ग्रुप भी सेम था, ओ पॉजिटिव। Stay tuned. We promise to keep you entertained. Do not forget to subscribe to our channel.